सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19 से। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19 से आइए देखते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। वचन कह रही है कि अपने लिए इस पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करने का काम न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते और चोर सेंध लगाते और चुराते। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, स्वर्गीय धन के विषय में बात कर रहे हैं कि हम मनुष्यों को, यानी जितने परमेश्वर को जानने वाले, अर्थात जितने जीवित बन चुके हैं, अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले, कहता है उन्हें किस धन की तलाश में होना चाहिए, किस धन की खोज में होना चाहिए। उन सारी बातों को इस वचन के माध्यम से यीशु मसीह में बता रहे हैं। कह रहे हैं अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, अर्थात इस पृथ्वी के धन को अपने लिए इकट्ठा ना करो, जिस धन को कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहां चोर सेंध लगाते और चुरा लेते। वचन कहती है कि जिस धन के अंदर कीड़ा भी लग जाते हैं और काई भी लग जाते हैं और उस धन को खराब कर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि चोर क्या करते हैं, घर में सेंध लगाकर उस धन को चुरा लेते हैं। इसलिए प्रभु की वचन कहती है कि तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो। कहता है कि जहां जिस धन को कीड़ा बिगाड़ देंगे, काई बिगाड़ देंगे, चोर क्या करेंगे, उसे चुरा लेंगे। कहता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, परंतु अपने लिए धन इकट्ठा करने का काम करना है तो स्वर्ग का धन इकट्ठा करो, और वो भी स्वर्ग में। कहता है इसलिए मैं कह रहा हूं स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि वहां के धन को ना ही कीड़ा बिगाड़ेंगे और ना ही काई बिगाड़ेंगे, वहां के धन को कीड़ा काई नहीं बिगाड़ेंगे और ना ही वहां चोर कोई सेंध लगा सकता है, ना ही उसे चुरा सकता है। वचन कहती है उस धन को ना ही चोर सेंध लगा सकता, ना ही उस धन को चुरा सकता है। क्यों? क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं इस धन को इकट्ठा करने की बातें इसलिए कह रहा हूं कि जहां तुम धन इकट्ठा करोगे, जहां तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा करोगे तो तुम स्वर्ग के लायक बनने नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा इस संसार के धन के तरफ लगा रहेगा। अगर तुम यहाँ संसार के धन के इकट्ठा करने की बातें करोगे और इकट्ठा करने की इच्छा रखोगे तो तुम स्वर्ग में जाने नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा इस संसार के धन के पीछे
बना रहेगा और यह धन तुमसे हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाएगा। अगर तुम स्वर्ग के अंदर धन इकट्ठा करते हो तो तुम्हारा मन हमेशा स्वर्ग के धन की तरफ अर्थात स्वर्ग की तरफ लगा रहेगा। तो जितने व्यक्ति का मन स्वर्ग की तरफ लगा रहता है वो ही लोग परमेश्वर के लायक होते हैं, वे ही लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो संसार के अंदर मनुष्य आए दिन भाग दौड़ कर रहा है संसारिक लुभावनी वस्तुओं के लिए, लुभावनी चीजों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, और इसके चक्कर में परमेश्वर को एक बार भी याद नहीं कर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन में प्रभु ने कहा कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग का धन कैसे इकट्ठा होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मानते हैं और वैसा ही हम करते हैं, यानी हर एक बुराई को छोड़कर अपना मन फिराकर बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पे चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा ये काम क्या करता है, हमारी ये मेहनत क्या कहाँ इकट्ठा होती है, स्वर्ग के अंदर एक दौलत के रूप में इकट्ठा होती है। जैसे हम संसार के अंदर संसारिक धन को बटोरने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी तरह हमें पैसे, हमें धन संपत्ति हमें मिलनी चाहिए, इकट्ठा होनी चाहिए, हम क्या करते हैं, इन सारी बातों की तरफ ध्यान देते हैं कि किसी भी तरह हमें पैसा, हमें धन इकट्ठा होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो हम मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, मेहनत करके अपने धन को इकट्ठा करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है इस सांसारिक धन के लिए मेहनत मत कर, क्योंकि यह मेहनत भी बेकार है, यहां का धन भी बेकार है, यहाँ का धन भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी मेहनत भी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा धन, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन को भी नष्ट कर देगी। इसलिए तुम स्वर्गीय धन के लिए मेहनत करो, इसलिए स्वर्ग के राज्य के लिए मेहनत करो, तुम भलाई का काम करो, प्रभु के सुसमाचार को सुनाओ, प्रभु के काम को करो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जियो, तुम एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, प्रभु के नाम से हर एक के भीतर प्रभु के वचन, प्रभु के ज्ञान को प्रकट करो, ताकि वह बुराई को त्याग कर भलाई का काम करना चालू करे, वह मन फिराए और प्रभु के पास आए, ताकि वह भी अपने जीवन को बदलने पाए और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करे। यदि आप ऐसी मेहनत करोगे तो इस मेहनत का जो धन है स्वर्ग में इकट्ठा होगा, और जब स्वर्ग में इकट्ठा होगा हमेशा ध्यान स्वर्ग की तरफ लगा रहेगा कि हम स्वर्ग के रवैये होंगे, हम उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, और अवश्य है कि आप जब यहाँ स्वर्ग के लिए मेहनत करोगे तो वहाँ पे आपका धन इकट्ठा होगा और आप यहाँ से जाओगे तो उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी कहलाओगे। हमें हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप इस संसारिक धन संपत्ति के पीछे भागने की कोशिश ना करिए, ना ही उसे बटोरने की कोशिश करिए, क्योंकि वह तो नष्ट होगी, आपको भी नष्ट कर देगी। इसलिए हमेशा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, अवश्य है कि परमेश्वर के राज्य की जो खोजें हैं आपके लिए इतनी दौलत पैदा करेगी कि आपको अनंत काल तक हमेशा खुशहाल का जीवन जीना होगा। आमीन हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जरूर है कि आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है, मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष बरसे। हाँ मेरे प्रभु, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर, हर प्रकार के पाप हर प्रकार के गुनाह से इन्हें बचा कर रखे परमेश्वर। आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप गुनाह ना होने पाए, ये जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख कोई तकलीफ इनके शरीर के ऊपर ना आने पाए, ना इनके जीवन में ना ही घर परिवार में कोई दुख आने पाए, हर दुख से हर विपत्ति से इन्हें बचा। हे परमेश्वर, जितने बीवी बच्चे वाले प्रभु उनके बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि उनके बीवी बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र और भले चंगे हों।
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी प्रकार की बीमारियां, हर बीमारी को आदेश करता हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके मस्तक में तकलीफ हो, मस्तक की तकलीफें निकल जाए। जिसके आँख में तकलीफ हो, आँख की तकलीफें निकल जाए। जिसके नाक में तकलीफ हो, नाक की बीमारी निकल जाए। जिसके कानों में बीमारी हो, कान की बीमारी निकल जाए। जिसके दांत में बीमारी हो, दांत की बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए। और जिसके जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए। पेट में तकलीफ हो, पेट की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसके रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए। घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए। जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। पथली नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेच स्पन्ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। तो यीशु के नाम से आगे रहता हूँ, हर प्रकार की तकलीफें इनके शरीर से बाहर होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया कि जो मनुष्य विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। शाप तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इनमें से जिसके पास संतान नहीं, प्रभु ने संतान की आशीष दे। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा, यीशु के नाम से चंगा होने पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में, घर परिवार में आशीष दे। इनके पढ़ाई लिखाई, नौकरी के तलाश में जितने भी लोग ऐसे, हे परमेश्वर, जो रोजी रोजगार के तलाश में, उन्हें आशीष दे ताकि उन्हें रोजगार मिलने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना सुने उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे। उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा के लिए, हे परमेश्वर, मेहनत परिश्रम करते हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, सेवकाई आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, हर एक को अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर दे, हर एक को आत्मा के अनुग्रह से भर दे। ओ प्रभु, तू अपने आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा, हर एक को छू लो, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। देखो पवित्र आत्मा, हर एक को छू रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतरने पाए। होली वासंदोरी वासा खलाबा सुंदू सबारबा, होली 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 हो शिखा रा 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 रा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते, ईश्वर की सामर्थ हर के ऊपर उतरे, ताकि जितने बीमार व चंगे होने पाए, हर कोई तेरी आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, तेरा साथ हर के साथ हो, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4-3-5-7-0-2-0-1-0-0-8-9-7-3-3 और IFC कोड है UBIN 0-5-4-3-5-7-8 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पत्र ही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा। अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8-7-9-5-1-3-0-3-2-1 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।